नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है तो हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, एक सुंदर सी चिड़िया की घोंसला बनाने की कहानी। और वो बनाती है एक अनोखा घोंसला। ठंड आने वाली है इसलिए चिड़िया घोंसला बना रही है। वह तिनका तिनका लाती, उनको ठीक से जमाती। बड़ी मेहनत से घोंसला बना, सुंदर व नरम घोंसला। वह बहुत खुश है, सोच रही है कि ठंड में आराम से रहेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई, तभी लगा कि घोंसला हिल रहा है। सोचा शायद हवा से हिल रहा होगा, लेकिन फिर जोर जोर से हिलने लगा। वह झटपट उड़ी, उड़ते ही घोंसला गिर गया। देखा एक हाथी पेड़ से पीठ खुजा रहा है। हाथी को खूब बुरा भला कहा। उसने एक नई जगह ढूंढी जहां हाथी ना आ सके। फिर से घोंसला बनाना शुरू किया। जल्द ही नया घोंसला बन गया। फिर वह आराम से लेट गई। तभी उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वह घबराकर झट से उड़ी। वे आंखें एक आदमी की थी। उसने घोंसला फेंक दिया, फिर पुताई करने लगा। चिड़िया ने आदमी को भी बुरा भला कहा, दुखी मन से उड़ चली। वह उड़ती जा रही थी, तभी उसे एक गुब्बारा दिखा, फिर दूसरा। नीचे देखा तो बहुत सारे गुब्बारे। गुब्बारों को देख वह खुश हुई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने फिर से घोंसला बनाया, एक अनोखा घोंसला जहां कोई उसे परेशान ना करे। कैसी लगी आपको कहानी? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।